الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ये वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हदीस, वाज अ वेरी वेरी ग्रेट स्कॉलर ऑफ हदीस। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं, उनकी किताब किताबुल कबाइर, कबीरा गुना, उस किताब में एक बहुत अजीब बात लिखी है, हदीस नकल फरमाई। बहुत सारे लोग बयान में बैठते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, और बयान सुनकर उनका दिल चाहता है कि मैं अभी तौबा कर लेता हूं। दे विश टू चेंज द लाइफ, दिल चाहता है, बात सुनकर मेरा दिल चाहता है कि मैं जिंदगी बदल दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, उनका दिल चाहता है। अगर ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ने की नीयत कर लेता है, तौबा कर लेने के लिए, तौबा करने की नीयत करता है। नमाज नहीं पढ़ता तो भी आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज की नीयत कर लेता है। बहुत सारे आप देखेंगे जो मजमे में बैठते हैं तो दिल सुनकर, बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की कि मेरा दिल चाहता है मैं बदल जाऊं, आई चेंज माय लाइफ, बहुत सारे हजारों हैं। लेकिन जब ये मजमे में बैठकर इंटेंशन करता है चेंज करने की, अपने लाइफ को बदलने की इंटेंशन करता है, उस वक्त शैतान की जमात में एक खलबली मच जाती है।
अमंग्स द जमात ऑफ शयातीन, एक किस्म का शोर है। अब अपनी पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में जा रहा है, अपनी पार्टी का आदमी इज मेकिंग इंटेंशन टू गो अवे अनदर पार्टीज, मीन फ्रॉम द शैतान की पार्टी से रहमान की पार्टी में जाना चाहता है। ये तो उस वक्त शैतान आपस में गुफ्तगू करते हैं, मैंने हवाला भी दिया किताब का, आई बात समझ में, एक छोटे मोटे आदमी की बात नहीं, बहुत बड़े मुहद्दिस है अल्लामा ज़हबी, आप देख लीजिए बुखारी और मुस्लिम और तिर्मिजी देख लीजिए, इनका नाम अल्लामा ज़हबी के बारे में क्या कहते हैं। शोर मच जाता है कि अपनी पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में जा रहा है, शैतान के अंदर में शोर मच जाता है, क्या करें। तो वो शैतान आपस में बैठकर मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एंड दे आस्क ईच अदर, चलो कितनी तौबा करेगा, पहले देखो इसका खाना कैसा है, पहले देखो इसकी कमाई कैसी है, इसकी कमाई कैसी है, अगर इसकी कमाई हराम की है तो डोंट वरी, वो शैतान क्या कहते हैं, डोंट वरी नथिंग विल हैपन, ही कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीजों में से एक चीज ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी कमाई हराम की हो, जिसका खाना हराम का हो, वो चेंज होने की नीयत भी करता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता है। और मेरी बात समझ में आ रही है, मालूम होता है कि हलाल खाना, हराम से बचना ये बहुत बड़ी नामत है। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इन्नल्लाह तय्यिब, अल्लाह प्योर है, पाक है, ला युकबलु इल्ला तय्यिबा, वो पाक चीज को कबूल करता है, नापाक को कबूल नहीं करता, हराम को कबूल नहीं करता। और आगे फरमाया, आगे रिवायत में फरमाया, मैं पूरी हदीस सुनाता हूं आपको, फरमाया वइन्नल्लाहा अमर अल्मुमिनीना बिमा उमिर अल्मुरसलीना, अल्लाह ताला मोमिनीन को उसी काम का हुक्म दे रहा है कुरान में जिस काम का कमांड उन्होंने दिया है सारे नबियों को। Whatever Allah has commanded to the messengers, same thing Allah telling the believers also. Quran mein. Phir aage Allah ke Rasul ayat khud padte hain. Ya ayyuhar rusul. Rusul meaning is a plural. All the messengers. Kulu min tayyibat. Kulu. Halal rozi khao. Kisko Allah keh rahe hain? Nabiyon ko Allah keh rahe hain. Allah is telling who? फिर आगे अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमाते हैं, तुम भी अंबिया की तरह हलाल रोजी खाओ, हराम ना खाओ। अब सवाल होता है क्यों, वाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी, बहुत बड़े अल्लाह के वली, नेक बंदे अल्लाह के गुजरे हैं, उनका कौल नकल किया, क्या फरमाया, मन अकल अल हरामा, गौर से सुनिए, मन अकल अल हरामा असत जवा रह हो शाह अम अबा यालम औलम युअलम, क्या कह रहे हैं, जो आदमी हराम का लुकमा खाता है, हराम कमाई करता है, उसका बदन का हर उज्वा, उसकी आंख, उसके कान, उसकी जबान, उसके हाथ और उसके पैर और उसका दिल हर वक्त नाफरमानी में लगा रहेगा, गुनाह का काम करेगा, क्या कह रहे हैं आगे, शाह तेरा दिल चाहे औ अबा और ना चाहे फिर भी तू गुनाह करेगा, यालमु औलम यालम, तुझे पता है कि ये हराम का है फिर भी खाता है, या तुझे पता नहीं है कि ये हराम का है वैसे ही खा लिया, तो भी ये कह रहे हैं कि अंदर में जाने वाला हराम लुकमा ये चीज है, गुनाह की तरफ तुझे ले जाएगी। मेरी बात सुन रहे हो, आगे कह रहे हैं,
आगे कह रहे हैं इसी आयत की तफसीर में फरमाते हैं वमन कान अकलहु हलालन अता जवारिहु ووفق للخيرات। गजाली की किताब उठाकर देख लीजिए, सहल बिन अब्दुल्लाह का कौल, फरमाया जो आदमी हलाल खाना खाता है, हलाल रोजी खाता है, हलाल कमाई करता है, तो उसके बदन के हर उज्व उसको हर वक्त नेकी की तरफ ले जाते हैं और उसको कयामत के दिन और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व ताला नेक काम करने वाला और नेक लोगों में शामिल करेगा। वो मेरी बात समझते हो? थोड़े लोग हैं लेकिन सो रहे हैं आप लोग। आगे हदीस सुनिए, यही हदीस मुस्लिम शरीफ की, क्या फरमा रहे हैं, युतील सफर, हराम खाने वाला लंबा सफर करता है। अब लंबा सफर किसका होता है, या तो 40 दिन जमात में जाता है, 10 दिन जमात में जाता है, या उमरा में जाता है, सफर तो ये होता है लंबा, तो या फिर कहीं और जगह मदरसे में जाता है इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर, जो भी हो, युतील सफर यानी अल्लाह के रास्ते में सफर करता है, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के काम के लिए जा रहा है, उमरा में जा रहा है, हज में जा रहा है, तबलीग में जा रहा है, मदरसों में जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान यहां पर लिख कर जाओ, क्या फरमाते हैं, अकबर अशअस, उस सफर की वजह से उसके कपड़े भी मैले हो चुके हैं। ये उस जमाने का सफर होता था, आज तो अभी प्लेन में होता है ना, कपड़े जो पहने वही मैले भी नहीं होते। उस जमाने में ऊंटों पर सफर होता था, कभी 20 दिन का, कभी 30 दिन का, कभी महीने का, तो कपड़े भी मैले, बाल भी लंबे, पड़ा गंदा हो जाते थे, है ना। तो अब ये जब वहां जाता है और क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अपने हाथ को उठाता है आसमान की तरफ चेहरा करता हुआ, नज़रहु इला समा व या रब व या रब या रब, और नेकी दुआ करता है, कभी तवाफ में, कभी उमरा में, कभी हज में, कभी तबलीग में, कभी मदरसे में जाके बस हाथ उठाकर दुआ करता है। मेरे नबी का फरमान मुस्लिम शरीफ उठाकर देखो, यह हदीस मैं आपके सामने खुतबा में भी पढ़ूंगा, आप देखिए वो हाथ उठाकर लंबी लंबी दुआ करता है। अल्लाह के नबी आगे क्या फरमाते हैं, मतअमहु हराम, मशरबहु हराम, वह मलबसहु हराम, उसका खाना भी हराम का है, उसका पीना भी हराम का है, और जो कपड़े पहने हैं वो भी हराम के हैं। अन्ना युस्तजाब लक, कहां अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा, हाउ अल्लाह इज गोइंग टू एक्सेप्ट हिज दुआ। वो मेरी बात समझते हैं? नहीं समझते, वल्लाह दिल से ये बात कह रहा हूं। बहुत आज लोगों के दिल में ये है, दो चार को सुला दो, पैसे ले लो, आज ऐसे जहन बना हुआ, दो चार को सुला दो पैसे में, पैसे ले लो और उसमें से कुछ पैसे की मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, या किसी गरीब का मकान, बाकी हलाल, बाकी हलाल नहीं। अल्लाह अकबर, मैंने वेनसडे को एक बात सुनाई थी, हराम मनी हराम रहेगी वो कभी हलाल होने वाली नहीं है, याद रखो, कभी नहीं, कभी नहीं हलाल हो। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे कपड़े पर पेशाब लग जाए, पेशाब का धब्बा है, तो मैं क्या करूंगा, जब के पास जाकर पानी से उसको धो दूंगा, नापाकी लगी हुई है, आई एम गोइंग टू वॉश विद वॉटर, तो पाक हो जाएगा, दो मिनट में पाक हो जाएगा, ड्राई कर लो। लेकिन अगर यहां पेशाब लगा है या कोई नापाकी लगी है, खून लगा है, मैं पेशाब लाकर उसको धो, पेशाब से उसको धो, तो पाक होगा कि नापाक, जवाब दो, नापाक रहेगा ना, और ज्यादा नापाक हो जाएगा, और ज्यादा। और मेरी बात सुनना, मैं एक अहसनुल फतावा का मसला आपके सामने बयान करता हूं, अहसनुल फतावा का मसला बयान करता हूं, जुमा के बाद जुमा के बयान में कुछ लेकर जाओ। आज तो मेरी बाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री था तो मैं कुछ बातें बयान कर रहा हूं। तो ये पेशाब डालेंगे आप तो हो जाएगा और भी ज्यादा नापाक, है ना, कि पाक होगा, नापाक हो जाएगा, नापाक था उस पर नापाकी डाली और ज्यादा नापाक हो गया। फरमाया इसी तरह हलाल माल में से तुम जकात दोगे, हलाल में से सदका दोगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है उससे तुम्हारा माल भी पाक, तुम्हारी जात भी गुनाहों से पाक है, तुम्हारे दिल के गुनाह भी पाक,
मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उसको लग जाएगी। अल्लाह के अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी जो ज़कात दे हलाल माल में से उनके माल भी पाक हो जाए और उनकी बदन में से गुना वो भी पाक हो जाए और साथ साथ में आप उनके लिए दुआ भी फरमाएं। लेकिन अगर हराम है माल, कहीं से दो चार को सुला कर ले आया, उससे तुम हजारों मस्जिद बना दो, उम्रे पर उम्रे कर लो उस हराम माल से, या करीब का मकान बना दो, यतीम का मकान बना दो, तो क्या वो बचा हुआ माल वो पाक रहेगा कि ना पाक रहेगा? क्या उस मस्जिद के बनाने से, उस मदरसे के बनाने से, उस यतीम के देने से बाकिया जो लोगों का लिया हुआ माल है वो और ज्यादा ना, वो तो नापाक ही रहेगा। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है किताब तहारा, इमाम तिर्मिजी ने अब्दुल्ला इब्न अमर की रवायत नकल फरमाई है, ला सलातुन सलातुन बगैर तहूर, वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती, वुजू के बगैर नमाज, तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। और फरमाया हलाल हराम माल से वला युकबलु सदकतुम मिन गुलूल, चोरी किया हुआ माल, किसी का लिया हुआ माल, हजब किया हुआ माल, उससे सदका भी कबूल नहीं होता है, नहीं होता। हां, इसीलिए अहसनुल फतावा में मसला लिखा है कि ये सात आदमी है, ये मिलकर एक कुर्बानी करना चाहते, ऊंट की मिसाल दे रहा हूं, सात आदमी है और उसमें से एक आदमी का माल हराम का है, बाकी छह का हलाल का है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा एक जानवर का एक आदमी का हिस्सा जो है वो हराम का है, उसने हराम पैसे में से लिया है, बाकी छह का हलाल का है। अगर इन छह को मालूम हो तो उस आदमी का माल हराम का है तो नहीं लेना चाहिए, वरना उन छह की भी कुर्बानी खत्म, उसको सवाब नहीं मिलेगा, उनके हलाल को भी सवाब नहीं मिलेगा। और मेरी बात समझ रहे हो, असन फतावा उठा कर देखो। और लिखा है अल्लाह के हबीब का फरमान, उसकी 40 दिन तक न नमाज न दुआ तो इबादत कबूल नहीं होती हराम बात से। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, तलबु कस्बिल हलाली फरीदतुन बादल फरीजा, सारे फराइज को अदा करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द फुलफिल्ड ऑल द कंपल्सरी एक्ट, जो तकवा की बुनियाद है, असास तकवा असलुल वरा जो है तकवा की बुनियाद है, द रूट ऑफ द गॉड फियरिंग, नंबर वन हलाल रोजी है, हलाल रोजी है। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मैंने बार बार बयान किया है, उस दिन मैंने वेनेसडे को भी लेडीज प्रोग्राम में यह बात सुनाई थी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये इमाम अबू हनीफा इमाम आजम के शागिर्द है और बड़े मुहद्दिस है, बड़े फकीह है और बहुत बड़े सूफी अल्लाह के वली भी है। उनके ऊपर इमाम बुखारी खुद उनसे रिवायत लेते हैं, बुखारी शरीफ में देख लीजिए, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हिजाज से गए मर्व इलम हासिल करने के लिए, अपने सिटी से सफर में उस जमाने में ऊंटनी पर कई दूर कई मीलों तक 300-400 मील दूर गए इल्म हासिल करने के लिए। वहां वो ही वो स्टेंड फॉर सो मेनी मंथ्स, जब वापस आ रहे थे, वापस आए तो उनको याद आया, यार ये मेरी कलम जो है किसी से मैंने बोरो की थी, पेन जो है ना वो बोरो की थी, आई फॉरगॉट टू गिव हिम, और पेन कैसी फाउंटेन की नहीं थी, एक्सपेंसिव नहीं थी, 2 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड की नहीं थी, उस जमाने में लकड़ी से पेन बनाते थे ऐसे से, उसको साफ उसको बिल्कुल शार्प बनाते थे और उसको डिप करके वो इंक पॉट में फिर लिखते थे, वो लकड़ी का पेन था, है ना, उसको देना भूल गए, जिसने उसको बोरो किया था उनको देना भूल गए। अल्लाह अकबर, अपने तलबा से कहा मैं वापस जा रहा हूं, छुट्टी अभी मदरसे की, मैं वापस इस कलम को देने के लिए जा रहा हूं। तो तलबा ने कहा हजरत एक पेन तो है वो भी एक लकड़े की है, इतनी वैल्यूबल भी नहीं है, यू गोइंग टू ट्रबल अगेन फॉर सो लॉन्ग, क्या फरमाया अब्दुल्ला मुबारक मुहद्दिस की बात सुनकर जाओ, क्या फरमाते हैं, 1,00,000 दिरहम मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूं, फिर 1,00,000 दिरहम यानी 2,00,000 अल्लाह के रास्ते में सदका करूं, 300,000 स्पेंड इन द पाथ ऑफ अल्लाह, 400,000 स्पेंड इन द पाथ ऑफ अल्लाह, 500,000 दिरहम स्पेंड इन द पाथ ऑफ अल्लाह,
5 लाख या एक रिवायत में 7 लाख मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूं, उससे बेहतर ये लकड़ी की पेन जाकर वापस कर दूं, ये बेहतर है। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक आदमी का इंतकाल हुआ तो कुछ महीने के बाद बेटे को ख्वाब में आया बाप और कहा, बेटे पड़ोसी की एक सुई मैंने ली है, नीडल बोरो की होगी, ली है, मैं देना भूल गया हूं, मेरी मौत आ गई है। वो फुला घर के, उस जमाने में दीवार जो होती कच्ची कच्ची होती थी तो ऐसे लगा देते थे दीवार के अंदर में ऐसे, तो कहा फुला जगह पर रखी है, उनको दे दे, जब से मेरी मौत हुई तब से एक सुई के लिए मैं अल्लाह के अजाब में मुब्तला हूं। एक सुई है भाई, एक सुई है, वल्लाह गया। बहुत आसान है अरब अरब करना। और मैंने मिसाल दी थी उस बादशाह की, बादशाह ने क्या कहा, सिगरेट पीना है, याद है ना, फायर लाओ, खादिम से कहा, वो खादिम से क्या कहा, फायर लाओ, वो कहा नहीं मिल रही है, जाओ जन्नम में वहां से ले आओ। एक वाक्य लिखा मौन है कुछ सब ननोदी रहमतुल्लाह ने, जाओ ले आओ। वो गया जन्नम के फरिश्तों के पास, एक वाक्य लिखा है, फरिश्ते से कहा फायर दो मुझे मेरे मास्टर के लिए, कहा भाई यहां कोई फायर नहीं, फायर तो तुम अपने साथ लेकर आओगे जन्नम में, फायर तो तुम गुनाहों का अपने साथ लेकर आओगे। और हाँ हदीस में, सही हदीस बुखारी शरीफ कुरान करीम में है ना, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल, ऑफन पीपल का माल खा लेता है, वो मान नहीं खाता, अपने अंदर जहन्नम की आग खा रहा है। हदीस में है ना कि अगर कोई ज़कात नहीं देता तो उसका माल है, वो माल, वो पाउंड, वो गोल, वो दीनार, वो चांदी, वो सब कयामत के दिन जहन्नम में आएगी और कहेगी, कल ही हदीस गुजरी बुखारी शरीफ में, कल ही मैं पढ़ा रहा था किताब ज़कात में तलबा को कि हदीस देखो, उसमें खुद वो माल उसका दुनिया का, द वेल्थ ऑफ दिस दुनिया विल कम इन द ग्रे इन जहन्नम एंड विल से अन मालुक, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा गोल्ड हूं, मैं तेरा सिल्वर हूं, मैं तेरा पाउन हूं, मैं तेरा कॉइन हूं, जिसको तू छुपा छुपा के रखता था, ट्रेजर करता था, तूने उसको जकात नहीं दी, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च किया, अन मालू का अन कंजू का मैं क्या बन गया। कुरान करीम में भी है, हदीस में है, वल्लदीन यकनिजून अज़हबा वल्फिद्दता वला युनफिकून फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरहुम हाज़ा मा कनस्तुम, ये तेरे पाउंड्स है, ये तेरे डॉलर्स है, ये तेरा गोल्ड है, ये तेरी सिल्वर है, जिसमें तुमने ज़कात नहीं दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया है, यही माल उससे बात भी करेगा, मैं तेरा माल हूं, यहां भी गरम किया जाएगा जहन्नम में, वो माल को आग में गरम करके उसको यहां, यहां कुरान में इसका जिक्र है, इसका जिक्र है और पीछे उसका जिक्र है, और एक रिवायत में है यहां डाला जाएगा और उसकी छाती से बाहर निकलेगा या उसके शोल्डर से बाहर निकलेगा, इस शोल्डर से वो माल जलता हुआ बाहर निकलेगा, और बाज रिवायत में है यहां से खाएगा वो हराम का माल और उसके टॉयलेट से वो बिल्कुल अंदर की एंट्रीज कट कट कर बाहर निकल जाएगी। ये सारी रिवायत बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत खतरनाक है, लेना बहुत आसान है, खाना बहुत आसान है, लेकिन जवाब देना। आज लोग है ना माल कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, दे डोंट स्पेंड देम सेल्फ ऑल्सो, वो माल रख लेते हैं और फिर जब मरने की तैयारी होती है तो दे विश दैट माई चिल्ड्रन हु विल गेट माई इनहेरिटेंस दे विल स्पेंड फॉर मी। तू खुद अपने लिए स्पेंड नहीं करता है तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो बच्चों पर भरोसा करता है कि वो मेरे लिए स्पेंड करेंगे। हजारों वाकियात है। ओ मेरे भाइयों, कुरान करीम में और हदीस में बड़ा अजाब है, इसीलिए दुआ क्यों कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? वो जब रूलर बना तो उसको पता चला कि बगदाद में एक उलमा की, बड़े बड़े नेक लोगों की जमात है, वो जब बद्दुआ कर देते हैं तो रूलर की मौत हो जाती है, उन्हें बद्दुआ कर देते हैं उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो उसने जैसा ही रूलर बना और उसने सबसे पहला काम क्या किया, दावत रखी, बड़ी दावत रखी और हराम माल से दावत रखी, हराम माल से दावत रखी और दावत भी रखी, सारे उन लोगों को दावत दी खाओ, और खाने के बाद कह रहा है अब तुम बद्दुआ करो, तुम्हारी बद्दुआ मेरे लिए कबूल होने वाली नहीं है, मैंने तुमको हराम का लुकमा खिला दिया है, वक्त नहीं। वरना मैं तुम्हें बेशुमार वाकियात सुनाता,
बेशुमार वाकयात। उलमा क्या फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, आपने सुना होगा हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने नेक थे, इतने नेक थे। इनकी नवासी जो है ना, इनकी नवासी वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मां है। इनकी नवासी बेटी की बेटी, ये कांदला के रहने वाले हैं। कांदला में बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे शागिर थे। ये शागिर थे जिनके हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दरवेश शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट द हदीस इन इंडिया। अब पाकिस्तान के जितने भी उलमा है, चाहे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, बांग्लादेश के जितने भी उलमा है, चाहे वो पुराने हो या इंतकाल कर गए हो, या फिर अभी हिंदुस्तान में या पुराने जितने भी हैं, उन तमाम की चेन, हदीस की सनद, हदीस की चेन शाह वलीउल्लाह तक पहुंचती है। शाह वलीउल्लाह के अलावा और किसी से नहीं, फिर जाकर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट द हदीस, हु ब्रॉट द हदीस इन इंडिया। दोस्तान उस वक्त बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान सब एक साथ थे ना, एक बाद में तो अलग अलग हुआ। तो जितने भी सनदें हैं हमारे अकाबिरीन औलिया किराम बुजुर्गान दीन की पहुंचती है शाह वलीउल्लाह साहब, इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब, इनके नवासे मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब, इनसे मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने अब्दुल अजीज साहब से भी पढ़ा और उनके नवासे से भी पढ़ा, और मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब है, और उनके बेटे मौलाना मोहम्मद साहब, ये बेटे मौलाना मोहम्मद साहब, मौलाना यहया साहब, वो एक अलग एक पहली मां से है, जो मौलाना इस्माइल साहब की पहली मां का, पहली बीवी का इंतकाल, उनसे मौलाना मोहम्मद साहब, और मौलाना यहया साहब जो मौलाना जकरिया साहब के वालिद है, ये पैदा हुए थे, और दूसरी बीवी से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो ये मां शरीक, ये बाप शरीक भाई है मौलाना मोहम्मद साहब। सो मौलाना मोहम्मद साहब ने सबसे पहले मेवात में सबसे पहले 70 मकातिब खोले हैं। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद जरूरत पड़ी किसी आलिम की, तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली भेजा, और उनका मिजाज ये था, ऐसा नहीं ये लोग आज लोग गाली देते हैं उनको, उनका मिजाज ये था कि गांव गांव में जाएं और गांव में जाकर लोगों को, बच्चों को मदरसे में लाएं और मकातिब खोलें, कुरान की दावत दें, और उस जमाने में 70 मकातिब मेवात में खोले हैं। और मौलाना इलियास साहब ने देखा अब यहां दिल्ली में मां बाप अनपढ़ है, तो बच्चों को कैसे वो आगे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो मां बाप को फिर दावत तबलीग का काम शुरू किया। इसी तरीके से दावत तबलीग का काम शुरू हुआ, और यहां तक कि ये मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन का वाक्य मैं सुना रहा था कि वो एक गांव में गए थे, और वहां गांव में सुभान अल्लाह एक आदमी ने देखा मुसाफिर आए हैं, तो 3 रोटी लाए उन तुम खा लो, खा लिया, फिर रह गए। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब दूसरी रात चले जाते थे, रहते नहीं, दूसरी रात फिर ठहर गए, फिर वो आदमी ने देखा मगरिब के बाद कि मुसाफिर है, 2 रोटी ले आया, फिर देखा तीसरी रात फिर भी है, मैं शॉर्टकट कह रहा हूं कि तीसरे 1 रोटी लाया, पहले दिन 3, दूसरे दिन 2, इसका अब तो तुम चले जाओ सफर कर लो, इसलिए कि मेरे घर में अब रोटी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि पहले दिन में मैं 3 लाया, मेरा हिस्सा, एक मैं कमाता हूं घास बेचता हूं और कुछ पैसे उससे 3 रोटी बनाते, एक मेरे लिए, एक बीवी के लिए और एक बच्चे के लिए। दूसरे दिन मेरा और बीवी का तो ले आया, बच्चे को दे दिया, इसलिए भूखा नहीं रह सकता। तीसरे दिन बीवी को भी दे दिया, वो 2 दिन भूखी है, मेरा अकेला का हिस्सा आप ले आया, आप यहां क्यों ठहरे? फरमाया मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने, आपकी हलाल कमाई में इतनी बरकत है, मैंने खाया तो पूरी रात इबादत का शौक पैदा हुआ, और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, इसलिए मैं यहां ठहर गया आपकी हलाल रोजी को खाने के लिए। वो बात समझ में आ रही है? इसीलिए फरमाया साहब बिन अब्दुल्ला तुस्तरी की बात मैंने नकल की, अगर हराम खाओगे तुम चाहो या ना चाहो गुनाह की तरफ जाओगे, अगर हलाल खाओगे तो उस खाने की बरकत से तुम नेकियों की तरफ जाओगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकु दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।